दोस्तों, रमजान में सबके गुनाह माफ हो जाएंगे। जो रोजे रख ले, 30 दिन रोजे रख ले, नमाजों की पाबंदी कर ले, तो जिस दिन रमजान खत्म होगा उस दिन ऐलान होगा, तेरे आज पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए। लेकिन चार बातें सुन लो, चार बातें जिसके अंदर हैं उसकी मगफरत रमजान में भी नहीं होनी। जिसके अंदर ये चार बातें, मैं दोस्तों इसको अपने अंदर से निकाल ले, अभी निकाल ले रमजान आने से पहले पहले। एक, आपने फरमाया नमाज में सबके गुनाह माफ हो जाएंगे, लेकिन जिसने रिश्तेदारों से तोड़ पैदा किया है, रिश्तेदारों से लड़ाई झगड़ा किया है, इसके गुनाह माफ नहीं होंगे रोजे से भी। कितने लोग रिश्तेदारों से लड़ पड़ते हैं, कितने लोगों से रिश्तेदारों से कला कता ताल्लुक किया हुआ है, अभी खामखा रुसे में। रिश्तेदार रुसने की चीज नहीं है, मना लो, जो जो किसी से नाराज है उसको मना लो, वरना रोजे कबूल नहीं होंगे, याद रखना। और दूसरा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके दिल में कीना है, जिसके दिल में कीना है, सारा रमजान भी आ जाए तो उसके गुनाह माफ नहीं होंगे। दिल में कीना, दिल में कीना क्या होता है? कीना उसको कहते हैं कि एक आदमी से कोई अनबन हो गई, अभी तो वो तगड़ा है, उससे इंतकाम ले नहीं सकता, दिल में बात रखी हुई है, कभी मेरे पे आए, कभी मेरे टाई चढ़े दसांगा, फिर दिल में रखी हुई है बात कि नहीं छोड़ूंगा, कभी इंतकाम लूंगा, इसको कहते हैं कीना परवर, दिल में कीना रखने वाला। हुजूर ने फरमाया जिसके दिल में ये कीना है, रमजान भी इसके गुनाह माफ नहीं करा सकेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, जिसके बारे में कीना रखा है उसको माफ कर दो। कर दिया, कर दिया, हाथ उठा के बताओ किसने किसे कर दिया। अल्लाह आपको जजाए खैर दे, अल्लाह खुश रखे। और तीसरा फरमाया जिसके रमजान भी जिसके गुनाह माफ नहीं करा सकेगा, वो कौन है? वो जो इसने मां बाप का दिल दुखाया है, जिसने मां बाप के दिल को तोड़ा है। मेरे दोस्तों, मां बाप बड़ी कीमती दौलत है, इसकी कदर कर लो। जिसके मां बाप जिंदा हैं उसकी कदर कर लो। बाप जन्नत का दरवाजा है, बाप की कदर करो, इस दरवाजे जन्नत में जाना है। मां की कदर करो, मां की कदर करो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि जो सुबह उठ के उसने मां बाप को एक नजर देखा, कुछ नहीं कहा, कोई अमल नहीं किया, पानी नहीं पिलाया, चाय नहीं पी, सिर्फ देखा, मोहब्बत से देखा, इसको मकबूल हज का सवाब मिलेगा, मकबूल हज का सवाब। मां बाप को लाइटनर हो, मां बाप को खुदा के लिए। और फिर आपने फरमाया कि जो शराब पीने का आदि है, जो शराब पीता है, शराब से तौबा नहीं की, रमजान भी इसके गुनाह नहीं धो सकेगा। अल्लाह का वास्ता, कुछ नहीं है अल्लाह की नाफरमानी में, कुछ नहीं है। जो शराब का आदि है उससे मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, तौबा कर ले। क्या निकालना है इसमें से, क्या निकालना है इसमें से, क्या निकलता है इसमें से? क्यों अल्लाह की नाफरमानी कर रहे? मेरे दोस्तों, अल्लाह के सामने खड़ा होना है, अल्लाह मालिक है, बादशाह है। मैसेज टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अमन के पैगाम को फैलाने में हमारी मदद कीजिए।